उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाई है, सरकार ने भी इस मामले को काफी गंभीरता के साथ लिया है। इसी कड़ी में अब बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के मामले में डीएनए टेस्ट कराने की कागजी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर जांच अधिकारी का कहना है कि कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद डीएनए टेस्ट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। दरअसल गैंगरेप की ये घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई थी। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने वीडियो बना लिया था, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल कर रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन आरोप लगाया गया कि शुरू में कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने गुस्सा जताया तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मुईद खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले राजू को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने बीते 2 अगस्त को लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुईद खान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात कही थी। इसके बाद थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी पर भी एक्शन हुआ। वहीं आरोपी की संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी गई है। रेप के आरोपी मोहम्मद मुईद की तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। ये पहली बार है जब उस पर कोई कार्रवाई हुई। बीते 20 सालों में मुईद समाजवादी पार्टी का बेहद वफादार रहा है। अयोध्या नगर कोतवाली में जिस भदरसा नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद राशिद पर पीड़ित परिवार को धमकाने की FIR दर्ज हुई, तो मुईद राशिद के पिता मोहम्मद अहमद का करीबी हुआ करता था। राशिद भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष हुआ करता था और मुईद उसका सबसे करीबी था।